बच्चों, आपके व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहले खुद से प्रयास करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। बहुत ही बेसिक है, लेकिन कुछ लोगों का अलग आंसर आ रहे हैं तो कुछ के डिफरेंट आ रहे हैं। सेम आंसर सभी का नहीं आ रहा है, तो एक बार आप भी ट्राई करें कि आपका आंसर कितने आ रहे हैं। ये आप लोगों को पहले से मालूम होगा, बोर्ड मास और पेमडास। कुछ देशों में पेमडास का यूज होता है और कुछ देशों में, जैसे हमारे इंडिया में, मैक्सिमम आप देखिएगा तो बोर्ड मास का यूज होता है। बोर्ड मास क्या है भाई? तो ये ब्रैकेट है, मतलब सबसे पहली प्राथमिकता जो है हम लोग ब्रैकेट को देते हैं। किसको देते हैं? ब्रैकेट को। ऑर्डर है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। पेमडास क्या जी? पैराथेनसिस, मतलब ब्रैकेट्स हैं, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्लियर है भाई? आप लोग इसको कोशिश करें। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हम लोग लेफ्ट से राइट प्रायोरिटी क्या देते हैं, प्राथमिकता क्या देते हैं हम लोग? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। उसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्राथमिकता हम लोग देते हैं लेफ्ट टू राइट। क्या देते हैं भाई? लेफ्ट टू राइट। ये माइंड में रहेगा, क्लियर है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग प्राथमिकता देंगे क्या जी? लेफ्ट से राइट। और उसी तरह मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में वही प्राथमिकता रहेगा। इतनी बातें समझ में आ रहा है? शायद आप लोग इसका आंसर निकाल चुके होंगे। अब आप लोग मिलाइए उनमें कितने लोगों का आंसर सही है। तो ध्यान देते हैं बच्चों, कोशिश करें आप लोग, ध्यान दीजिए। तो इसको दो सेक्टर में मैं बांट रहा हूं कि एक बच्चों का क्या आंसर आया होगा और दूसरे बच्चों का क्या आया होगा। ध्यान से देखिए कुछ बच्चों ने क्या कोशिश किया होगा। ये 6 का स्क्वायर है भाई, दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया 36, और ये कितना जी? 2 × 3, 6 प्लस कितना है लास्ट में भाई? 4 है। 36 और ये है 6, तो ये कितना हो जाएगा भाई? क्लियर है कि 6 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना जी? 6 और प्लस 4, तो ये 10 हो गया। कुछ बच्चों का आंसर 10 आया होगा, क्लियर है भाई? और कुछ बच्चों का देखिए क्या आया होगा और जानना जरूरी है। ये कितना है भाई? 36 है, 2 × 3 है ये, और प्लस 4 है। क्लियर है भाई? तो ध्यान से देखिए। तो बच्चों हम क्या बोले कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ध्यान देना है कि लेफ्ट से राइट आपको प्रायोरिटी देना है बोर्ड मास रूल के अनुसार। तो लेफ्ट से राइट प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ कि 36 और ये है, तो कितना हुआ बच्चों? 18 हुआ। कितना हुआ? 18। क्लियर है ना जी? बोर्ड मास रूल बोलता है, कहीं 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 बताया जाता है कि ये भाई डी पहले है तो डिवीजन की प्राथमिकता अधिक होता है मल्टीप्लिकेशन से। ऐसा नहीं है भाई, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट चलते हैं। समझ में आ गया? उसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक बातें। तो ये कितना हो गया भाई? ये 18 हो गया, क्लियर? ये कितना हो गया? 18 हो गया, 18 × 3 और प्लस 4। अब कुछ बच्चों का आंसर आया होगा 58, तो ये बताइए कि 10 और 58, क्लियर है कि किसी का 10 आया होगा, किसी का 58 आया होगा। अब बताइए बिना गूगल पर चेक किए हुए, बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए, कि ये सही है या ये सही है?
सबको मालूम है कि कौन सा आंसर सही है, सबको मालूम है। तो बच्चों या किसी को यदि लग रहा है कि इसके आंसर में कंफ्यूजन है, तो बच्चों ये जानना है कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको बोडमास रूल्स का ही यूज करना है। बोडमास रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। और अब इसके बाद आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। हमेशा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रहेंगे तो आपको लेफ्ट से राइट आपको चलना है। क्लियर है भाई, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेंगे तो आपको हमेशा लेफ्ट से राइट आपको चलना है। क्लियर है भाई, तो हमेशा आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के केसेज में लेफ्ट से राइट, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी जो है सेम होता है, लेकिन मतलब दोनों एक जैसा बिहेव करता है, लेकिन प्राथमिकता कहां देते हैं भाई, लेफ्ट से राइट देते हैं। क्या देते हैं, लेफ्ट से राइट। क्लियर है भाई। उसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन की, जैसे देखिए ये तो बन चुका है, छोटी बात में बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो हम लोग चलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या करेंगे भाई, 9 - 3 कितना हो गया, 6। क्लियर भाई, इसी को मैं ऐसे दे दूं फिर भी क्या है जी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन है तो ये दोनों एक तरह ही बिहेव करते हैं और प्राथमिकता देते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट। तो क्या हो गया भाई, 5 - 4 कितना जी, 1 + 3। समझ में आ रहा है, इसमें मैंने 2 × 3 कर दिया पहले, लेकिन आपको बोडमास रूल के अनुसार क्या ध्यान देना है कि यदि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो लेफ्ट से राइट आपको चलना है और उसकी प्राथमिकता देना है। तो इसको पहले सोल्व करेंगे तो 18 हुआ, 18 × 3 हो गया और उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। आई होप डेट कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम मिले तो ये बोडमास रूल का या पेमडास जो है इसका ही आप यूज करके आप सोल्व करें। ओके, थैंक यू।